फ्रेंड्स, आज ये जीके की वीडियो में ये साइंस रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है, तो आइए देखते हैं। आज का पहला सवाल कहता है कि कौन सा विटामिन हमारे शरीर में सबसे अधिक तीव्रता से बनता है, मतलब कि बहुत अधिक तेजी से बनता है। ऑप्शन में है विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी और विटामिन डी। तो हमारा आंसर हो जाएगा विटामिन डी। विटामिन भी डी है और ऑप्शन भी आपका डी ही है। तो जब भी पूछा जाएगा कि कौन सा विटामिन हमारे शरीर में सबसे अधिक तीव्रता से बनता है, तो विटामिन डी बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट है कि मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है। ऑप्शन में है ऑक्सीजन, कार्बन, लोहा और नाइट्रोजन। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन। शरीर में सबसे ज्यादा मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है, तो ऑक्सीजन पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हेपेटाइटिस है, क्या है यह? एक हृदय रोग, फेफड़े का रोग, जिगर का रोग और वृक्क का रोग। तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें जिगर का रोग, जिसे जिगर को हम लोग यकृत कहते हैं। तो हेपेटाइटिस किससे संबंधित है, तो यकृत यानी कि जिगर का रोग से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग कि विटामिन B6 की कमी से पुरुष में कौन सा रोग होता है। विटामिन B6 की कमी से पुरुष में कौन सा रोग होता है। ऑप्शन में है रिकेट्स, स्कर्वी, अरक्तता और बेरीबेरी। तो हमारा आंसर हो जाएगा अरक्तता। विटामिन B6 की कमी से ब्लड में कमी हो जाती है। और हाँ, विटामिन B12 में भी आपका यही आंसर हो जाएगा, यानी कि B6 और B12 की कमी से अरक्तता हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पीनियल ग्रंथि कहाँ होती है, यकृत में, गर्भाशय में, मस्तिष्क में और गुर्दे में। तो हमारा आंसर हो जाएगा मस्तिष्क में। पीनियल ग्रंथि कहाँ होती है, तो ये मस्तिष्क में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नींबू में खटास यानी कि खट्टापन किस चीज के कारण होता है। ऑप्शन में है एसिटिक एसिड, एस्कार्बिक एसिड, सिट्रिक एसिड और टार्टरिक एसिड। तो हमारा आंसर हो जाएगा क्या, सिट्रिक एसिड या फिर साइट्रिक एसिड, दोनों एक ही चीज है। तो नींबू में खट्टापन साइट्रिक एसिड के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि औसत वयस्क के शरीर में कितना रक्त होता है, मीन्स कि एक जो वयस्क मनुष्य है उसमें कितना लीटर रक्त होता है। ऑप्शन में है 3 से 4 लीटर, 5 से 6 लीटर, 4 से 5 लीटर और 6 से 7 लीटर। तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें 5 से 6 लीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्लाइकोजन निम्न में से किस में जमा होता है। ऑप्शन में है यकृत, अग्नाशय, आमाशय और प्लीहा। तो हमारा आंसर हो जाएगा कि ग्लाइकोजन जो है यकृत में जमा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव रुधिर का पीएच मान होता है कितना। ऑप्शन में है 7.1, 7.4, 6.8 और 4.6। तो हमारा आंसर हो जाएगा 7.4। रक्त का जो पीएच मान होता है, ब्लड, रुधिर ब्लड को कहते हैं, ब्लड का पीएच मान होता है 7.4। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग कि जन्म के बाद मानव के किस ऊतक में कोई कोशिका विभाजन नहीं होता है। ऑप्शन में है कंकाल, संयोजी, जनन और तंत्रिका। तो हमारा आंसर हो जाएगा तंत्रिका। ये जो तंत्रिका कोशिका होती है, इसके ऊतक में जब मनुष्य जन्म ले लेता है तो उसके बाद इसके कोशिका में कोई विभाजन नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमारी छोड़ी हुई सांस की हवा में कार्बन डाइऑक्साइड की जो मात्रा है वह लगभग कितनी होती है। ऑप्शन में 4%, 12%, 8% और 16%। तो हमारा आंसर हो जाएगा 4%। हम जो सांस लेते हैं और बाहर छोड़ते हैं तो उसमें CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 4% होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किसने किया था। ऑप्शन में है रॉबर्ट कोच, CP श्वानसन, ल्यूवेनहॉक और नोल और रुस्का। तो हमारा आंसर हो जाएगा नोल और रुस्का। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार नोल और रुस्का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चेचक होने का कारण क्या है। ऑप्शन में है आपका रूबियोला वायरस, वैरिशेला वायरस, मिक्सो वायरस और वेरियोला वायरस। इन बी और सी देख लीजिए, एक ही जैसा लगता है देखने में। ये है वेरिशेला और ये है आपका वेरियोला वायरस। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा इसका, वेरियोला वायरस। चेचक जो होता है वेरियोला वायरस के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
मानव शरीर में कौन सी ग्रंथि ऐसी है जिसका संबंध शरीर की उत्तेजना से है, मीन शरीर को उत्तेजित कर देता है। ऑप्शन में है अवटु ग्रंथि, जिसे कि हम लोग थायराइड ग्लैंड कहते हैं, अग्नाशय, जिसे हम लोग पैंक्रियाज भी कहते हैं, आइसलेट ऑफ लैंगरहंस भी कहते हैं। नेक्स्ट है अधिवृक्क, अधिवृक्क किसको हम लोग कहते हैं, एड्रिनल ग्लैंड को कहते हैं, और पीयूष कहते हैं हम लोग पिट्यूटरी ग्लैंड को। तो कहता है कौन सी ग्रंथि है जिसका संबंध जो है शरीर की उत्तेजना से है, तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा आंसर क्या, अधिवृक्क, जिसे कि हम लोग एड्रिनल ग्लैंड कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक अनिषेचित मानव अंडे में सामान्यता होता है क्या, एक एक्स क्रोमोसोम, एक वाई क्रोमोसोम, एक एक्स और वाई क्रोमोसोम और दो एक्स क्रोमोसोम। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, एक एक्स क्रोमोसोम, क्योंकि जब तक यह अनिषेचित होता है, जब तक यह निषेचित नहीं हो जाता, उसके पहले उसमें एक्स क्रोमोसोम ही केवल पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि मानव में गुर्दे का रोग किसके प्रदूषण से होता है, ऑप्शन में है कैडमियम, कोबाल्ट, लोहा और कार्बन। तो हमारा आंसर हो जाएगा कैडमियम। गुर्दा रोग जो होता है किसके प्रदूषण से होता है, तो कैडमियम के प्रदूषण से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सेरोलॉजी में किसका अध्ययन होता है, सांप, छिपकली, मेढक और कीट पतंग। तो हमारा आंसर हो जाएगा छिपकली। सेरोलॉजी में किसका अध्ययन होता है, तो छिपकली का अध्ययन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिन के समय में जब पौधे में श्वसन की दर प्रकाश संश्लेषण की तुलना में कम होती है, उस समय ऑक्सीजन के उत्पादन एवं खपत का अनुपात क्या होता है। क्वेश्चन कहा गया कि दिन के टाइम में जिस टाइम की पौधे में श्वसन प्रकाश संश्लेषण की तुलना में कम होता है क्या, श्वसन दर जो है प्रकाश संश्लेषण की तुलना में जब कम होता है दिन में, तब उसमें ऑक्सीजन का उत्पादन और खपत, ऑक्सीजन के बारे में ही कहा गया है कि उत्पादन कितना होता है और खपत कितना होता है, दोनों का रेशियो बताना है। ऑप्शन में है हमारे 1:1, 50:1, 10:1 और 5:1। तो हमारा आंसर हो जाएगा 10:1। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रक्त परिसंचरण की खोज किसने की, ऑप्शन में है विलियम हार्वे, एल्मर ए स्प्रे, जोसेफ लिस्टर और लुई ब्रेल। तो हमारा आंसर हो जाएगा विलियम हार्वे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्रेक लगाने पर एक कार मुख्य रूप से डैश बल के कारण रुक जाती है, मतलब कौन से बल के कारण रुक जाती है, तो गुरुत्वाकर्षण, केंद्राभिमुखी, घर्षण और केंद्रापसारक। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा इसका, इसका हो जाएगा घर्षण। घर्षण बल के कारण ही ब्रेक लगाने पर कोई भी कार मुख्य रूप से रुक जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्युत बल्ब के निर्माण में किस कांच का उपयोग होता है, क्राउन कांच, पाइरेक्स कांच, फ्लिंट कांच और फाइबर कांच। तो हमारा आंसर हो जाएगा फ्लिंट कांच। विद्युत बल्ब के निर्माण में कौन सा कांच, फ्लिंट कांच। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आजकल जो है पीली रोशनी के लैंप सड़कों पर लगाए जाते हैं, इनमें जो है कौन सी गैस प्रयोग की जाती है, सड़कों पर जो पीली रोशनी वाली लैंप लगाई जाती है उसमें कहता है कि कौन सा गैस का यूज किया जाता है। तो होता है आपका ऑप्शन में सोडियम, नियॉन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन। तो हमारा आंसर हो जाएगा सोडियम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं हम लोग कि हीरे के संबंध में कैरेट क्या होता है, शुद्धता, द्रव्यमान, घनत्व या भार। तो हमारा आंसर हो जाएगा क्या, भार। हीरे में जो हम लोग हीरे को जो हम लोग कैरेट में मापते हैं, तो वह कैरेट क्या दर्शाता है, तो हम उसके भार को मापते हैं, ठीक है। कैरेट क्या होता है, तो यह भार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नीला ज्वाला के साथ जलने वाली गैस कौन सी है, ऑप्शन में है हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। तो हमारा आंसर हो जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड, कि नीला ज्वाला के साथ जलने वाला कौन सा गैस है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आयतन के अनुपात में जल में जो है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो क्या होता है, अनुपात क्या होता है। ऑप्शन में है 1:8, 2:1, 1:2 और 8:1। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 2:1। इसे अच्छे से याद रख लीजिए, आयतन के अनुसार, आयतन का जब अनुपात पूछे जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का, तो 2:1। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भार के, अभी हमने क्या पढ़ा, आयतन के अनुपात, ये है भार के अनुपात में
जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात क्या हो जाएगा? ऑप्शन में है 1:8, 8:1, 1:2 और 2:1। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 1:8। ठीक है, तो आज का वीडियो आप सबों को कैसा लगा ये मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और इसी तरह की और भी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।